मुझे अक्सर कई लोग मिलते हैं जो पूछते हैं और जो कहते हैं कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। फेसबुक पर लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, मेल करते हैं और कई बार मिलकर भी कहते हैं, लेकिन मैं सबसे यही कहता हूँ कि मुझ जैसा मत बनिए, अपने जैसे बनिए। अब आप पूछेंगे कि मैं अपने जैसा कैसे बना। दरअसल वो बड़ा मुश्किल दौर था उस समय। आपकी प्रतिभा या आपका किया हुआ काम वो बहुत लोकतांत्रिक तरीके से सबके सामने नहीं आ सकता था, क्योंकि एकेडमियों का और अकाडमियों का कब्जा था, बहुत सारे पोर्टल खुले हुए नहीं थे। और मुझे याद है कि शुरुआती दौर में मैं कैसी कविताएं पढ़ता हूँ और मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको इंटरनेट तक लाने के लिए मुझे नोएडा की तंग गलियों में, जो गांवों से वहाँ से जुड़ी हुई थी, उनमें कोई एडिटर रहता था, उसके यहाँ जाना पड़ता था रात में, बारिश में अपनी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी कर या कार बाहर खड़ी करके रात में बैठ के फ्रेम पहली बार पता चला क्या होता है। तो वो ऐसा दौर था जब आप बिना रिकमेंडेशंस के आगे नहीं बढ़ सकते थे, और जो लोग रिकमेंड करने वाले थे उनके आपके बारे में आग्रह और पूर्वाग्रह थे। ये चुनौती उस दौर की थी, क्योंकि उस समय ये साधन नहीं था जो आज आपके पास है। और अब चीज़ें आसान हैं, क्योंकि आपके पास अब सोशल मीडिया है, अब आपके पास YouTube है, Facebook है, Instagram है। आप अपनी चीज़ों को, अपनी सृजनात्मकता को, अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, एक तश्तरी में रखकर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अब चीज़ें ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हैं, लोकतांत्रिक हैं, सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैंने भी आपके लिए कुछ सोचा है, एक दरवाजा मैं भी आपके लिए खोल रहा हूं। आइए इस दरवाजे से चलते हैं सृजन की एक बड़ी दुनिया की तरफ। तो अगर आप किस्से सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, गजलें कहते हैं, शेर कहते हैं, नज्में कहते हैं, कविताएं लिखते हैं, गीत गुनगुनाते हैं या कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं जो दुनिया को सुनाने लायक है और आप सुनाना चाहते हैं, तो केवी स्टूडियो आपका वीडियो शूट करेगा, एडिट करेगा, लॉन्च करेगा और उसे प्रमोट यानी कि दुनिया तक पहुंचाऊंगा मैं खुद अपने सोशल मीडिया पर, ताकि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सृजनात्मकता को वो सब लोग जान सकें जो मुझे जानते हैं, हिंदी को जानते हैं, और मेरे माध्यम से, इस केवी स्टूडियो की खिड़की के माध्यम से युवाज की आवाज़ हिंदुस्तान की और दुनिया की आवाज़ बन सके। तो मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार हैं, तो इस पोस्ट के नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और चले आए अपनी क्रिएटिविटी को लेकर नए बीजों। चलो अब शाख फैलाए निकल आओ, नए बीजों चलो अब शाख फैलाए निकल आओ, तुम्हारे वास्ते सारी जमी हमवार कर दी है। युवाज के दरवाजे पर वॉइस योर ड्रीम्स, अपने सपनों को आवाज दीजिए, आइए।